नमस्कार साथियों, आज है 18 सितंबर। तो 18 सितंबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शिक्षकों को सम्मानित करने की तर्ज पर विद्यालयों को भी सम्मान से नवाजा जाएगा। एक साल पहले मांगे आवेदन, अब स्कूल का चयन कब होगा सम्मान, इस मामले में अधिकारियों को भी नहीं है जानकारी। भामाशाह से दान के मामले में चूरू अव्वल, उदयपुर का 7वां स्थान है। यहाँ पर कहीं स्कूल भवनों की दुर्दशा तो कहीं जगह की कमी के बावजूद कर्मोन्नत, बंद विद्यालयों के भवन पड़े वीरान। शिक्षा विभाग की लापरवाही आई सामने। घंटी झाड़ू उफानी गुरुजी के जिम्मे है। अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी बाल को पाल कर रहे हैं दूध का इंतजार। पीटीटी का काउंसलिंग कार्यक्रम जारी, 27 सितंबर तक कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन। बारकोड पकड़ रहा है अभ्यर्थियों की चतुराई, 50 से ज़्यादा युवाओं का पकड़ा फर्जीवाड़ा। बै रोड में चल रही अग्निवीर सेना भर्ती में युवक कई तरह के कर रहे हैं फर्जीवाड़े। कई स्कूलों ने कर्मोन्नति के बाद भी नहीं ली बोर्ड से समानता, विद्यार्थी 12वीं बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। उत्तर पुस्तिका की स्कैन प्रति की समीक्षा में गणित में बढ़े 30 अंक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का यहाँ पर मामला। तो नेक्स्ट है महात्मा गांधी स्कूलों में 163 कार्मिकों का पदस्थापन। रिक्त सीटों पर सीधे प्रवेश दिए जा रहे हैं, कल से दिए जाएंगे राज्य के महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय बीकानेर की ओर से। तो नेक्स्ट है लॉ यूनिवर्सिटी जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो के पदों की संख्या बढ़ेगी। जेईएन भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, 1092 पदों के लिए दोगुना अभ्यर्थियों को किया शॉर्ट लिस्ट। राज्य में अब तक नहीं घटी निजी मेडिकल कॉलेज की फीस, चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश सरकार कर चुकी है निर्णय इसके लिए। महिला पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग एवं गैर इंजीनियरिंग शाखा में सीधे प्रवेश के लिए आवेदन करें। आज के समाचार यहीं से होते। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।